हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। आज फिर टोटल एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में टोटल में जड़ी है गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं, वो है पीपीएससी जेई ने जड़ा हैगा वो रीसेंट वैकेंसी जड़ी हैगी ने अनाउंस करतीया ने, जिदे दी बड़े लंबे समय तो जड़ा है वो इंतजार कर रहे सीगे कि कदों पीपीएससी जड़ी हैगी अपनी वैकेंसी जड़ी है वो अनाउंस करेगी। सो इस वीडियो च मैं पूरी कंप्लीट जानकारी जड़ी है वो पीपीएससी जेई दी रिक्रूटमेंट वाले लिए लेके आया। सो इस वीडियो नु लास्ट तक जरूर देखना और नाल नाल अपने फ्रेंड्स नाल भी इस वीडियो नु जरूर शेयर करो, सो दैट तुहाडे नाल नाल जिहड़े तुहाडे फ्रेंड्स ने वो भी जिहड़े है अवेयर हो सकन पीपीएससी जेई दी जिहड़ी नोटिस और नोटिफिकेशन आया है और जानकारी उन्होंने तक भी पहुंच सके। सो आयो देखते हैं आप आगे पीपीएससी ने हमें 2021 से एक नवा नोटिफिकेशन जड़ा है वो जारी किया है, जिसमें दसया है GWR डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट में जड़ी है 585 पोस्टा जड़ी ने तुहाडे लिए अनाउंस करती है। मैं बहुत लंबे समय तो मैं कहता आ रहा है कि बहुत ही जल्द इरीगेशन डिपार्टमेंट जी वैकेंसियां ने और निकलने वाली ने, सो तुम प्रिपेयर करते रहो पढ़ते रहो तो पेपर जो है वो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। सो यदा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसैस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हुए हैं, सो इनू अज तो ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर हमने तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है जी हजे सोच रहे हो कि मैं कदों और कि पढ़ना चाहिए तो वो इंजीनियर करियर ग्रुप जो है वो जुड़ सकते हो साढ़े नाल जानकारी लैन लिए, कोर्सिज की जानकारी लैन लिए हेल्पलाइन नंबर जो है 9857542 जाके पूरी जानकारी लै सकते हो। और मैं तुम्हें सारे ना गल समझा रहा कि पढ़ना पढ़ के जाना पेपर च बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, शायद वो तुम भी एक हो सकते हो जो हजे उन्हें सोच रहा हो कि बहुत सारी वैकेंसी आ गई, तो मैं वो अकॉर्डिंग क्या करांगा सेल्फ स्टडी करके जी तैयारी करके उन्होंने पेपर जो है कर लाँगा। तो मैं तुम्हें यह चीज़ दे दाँ, तो यह रिस्क पॉइंट जो है वो नहीं लेना है। तुम तैयारी करके जेडे एक्सपर्ट टीचर ने, बिकॉज इंजीनियर स्कूल ऑलरेडी वी हैव अ पूल ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, तो वो जो टीचर्स ने तुम्हें गाइड करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा सेव होता है। बिकॉज जो तुम सैल्फ स्टडी करते हो, सैल्फ स्टडी से पहले तुम कंटेंट लभद हो, फिर उन्होंने पढ़ते हो, फिर एक मैथड डिवेलप करते हो, फिर उन्हें प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो जो तुम कोचिंग करना स्टार्ट कर देंगे एक्सपर्ट टीचर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हो, तो सारा टाइम बच जाता है, 100% टाइम है वो डिवोट हो जाता है प्रैक्टिस लिए। और जिनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही वधिया रिजल्ट थोड़ा आएगा, उन्नी थोड़े सिलेक्शन होने के चांसिस जिहड़े वो वध जाएंगे। सो अपना पहला तो पढ़ के जाना है, तैयारी करके जानी है, फाइनल एग्जाम को एज अ टेस्टिंग मोड नहीं लैके जाना है, फाइनल एग्जाम को एज अ सिलेक्शन जो है वो लैके चलना है। तो ये जो पेपर होने जो वैकेंसी आई ने 585 वैकेंसियां ने और 27 वैकेंसियां इरीगेशन मोहाली डिपार्टमेंट है वो भी कटिया हुई हैं, तो ये टोटल जी वैकेंसियां ने इन्हों से अपना हम सिलेक्शन लैनी लैनी हैगी है, हूँ कोई भी अपना जो सिंगल चांस है वो छड़ना नहीं है। सो बहुत सानू घट टाइम मिलना है, ये पेपर आने वाले 2-3 महीने पेपर यह हो भी जाना है। सो अज सीरीयस हो जाओ, सिंसेयर हो जाओ, अज पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए है परसनली, कोई भी तुम्हारी दिक्कत है, कोई भी तुम्हें परेशानी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों पढ़ना शुरू करिए, कि पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए है, तो वो तुम मेरे नाल जो है परसनली जुड़ सकते हो। मेरे नाल परसनली जुड़न लई तुम टैलीग्राम चैनल जो मेरा है उत्ते जो है उत्ते कनैक्ट कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टैलीग्राम चैनल का जो लिंक है तुम देता है, तो जो होर बच्चे भी ने उन्होंने तुम लिंक शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने भी डाउट हो किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, जिस किसी भी तरह कोई हेल्प चाहिए हैगी है, तो उसी टैलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे जो है डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट जो है क्लीयर कर सकते हैं। ऑलरेडी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टैलीग्राम चैनल से कनैक्टिड ने, वो सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ही मेरा डेली बेसिस से अपने जो पॉइंट्स होंगे ने, जो डाउट्स होंगे मेरे डिस्कस करते रहने हैं, और मेरी भी कोशिश रहती है कि तुम्हारे मेरे टाइमली जो डाउट्स है उन्होंने आंसर दिता रहा, सो दैट तुम्हें अगर नवी डायरेक्शन मिलती रहे और जल्द ही जल्द अपने करियर जो गोल सैट किया हो अचीव कर लो। अगे देखते हैं पीपीएससी जी रिक्रूटमेंट बारे, इस एक गल ध्यान रखना कि उही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हो। ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन हूँ आने वाले दिनों आ जाएगा कि बीटेक वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल जरूर है, बीटेक वाला बच्चा वही एलिजिबल है जिन्हें ऑलरेडी डिप्लोमा किया हुआ है। एक गल ध्यान रखना, अगर तुम डिप्लोमा किया हुआ है तो ही तुम अगर दोस्तों बीटेक की है तो ही तुम उस एलिजिबल हो, नहीं तो तुम इस एलिजिबल नहीं हो। डिप्लोमा ये कंपलसरी है, मिनीम क्वालिफिकेशन जी हैगी है और डिप्लोमा ये मैनशनड हैगी है। सो इस गल ध्यान रखना, डिप्लोमा वाले बच्चों वास्ते ये वैकेंसी जी है। तो एज लिमिट की अगर मैं गल करा, एज लिमिट ये 18 तो लैके 37 साल तक जो बच्चे ने, जिन्होंने मतलब 18 साल जिन्होंने हमने हमने डिप्लोमा पास आउट किया होगा 2020, और जोड़े बच्चे हजे आज तो 10 साल या 12 साल पहला पास आउट कर चुके हैं, जोड़े ऑलरेडी जिन्होंने किसी कोविड करके जॉब जा चुकी है, जो घरें वेले बैठे ने, उन्होंने भी यह मौका हैगा कि हूँ तुम अपना जो करियर है उन्होंने एक नई डायरेक्शन जी देने बारे सोच रहे हो, वो हूँ
ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855-7542 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2021-2022 ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਈ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35,400 ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।